कैलेंडर प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेप वन रहता है कि हमें लेना है रेफरेंस डे। रेफरेंस डे जैसे मैं ले लेता हूँ 26th of May 2024, तो उस दिन हमें पता है संडे है, तो मैंने जैसे 26th May 2024 ले लिया। फिर स्टेप टू है कि जो ईयर हमें दिया गया है 2099 माइनस जो हमारा रेफरेंस डे का ईयर है वो माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 75। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स देखने हैं, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन दो के बीच 2024 और 99 के बीच, तो ये हमारा आ जाएगा 75/4 = 18। अगर 29 फेब के पहले होता तो 24 भी काउंट होता, लेकिन इसमें काउंट नहीं होगा। फिर स्टेप फोर, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं क्या आएगा, तो ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा, उसको हम 26th of May में ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 26th May 2099 संडे प्लस 2 दिन इक्वल टू ट्यूसडे। तो हमारा 26th May 2099 आ गया ट्यूसडे। उसी तरह इसमें 7 दिन और ऐड कर देंगे तो 5 और 2 = 2 जून हमारा आ जाएगा ट्यूसडे, और संडे हमारा आ जाएगा 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 को संडे। 7 जून हमारा आंसर।